नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा और स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे मैंने चेन्नई जोन का ऑफिशियल वेबसाइट को खोल के रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहां पे ग्रुप डी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पर देखिए, स्क्रॉल करते हुए जब नीचे जाएंगे तो ग्रुप डी का जो सेक्शन है दोस्तों, देख पा रहे होंगे यहाँ पे RRC 1/2019 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 अप 7 CPC पे मैट्रिक्स। अगर कल तक इस साइट को खोल रहे होंगे दोस्तों तो यहाँ पे पूरा आपको डिटेल दिख रहा होगा, जिस प्रकार से अभी NTPC का जो सेक्शन है ये दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से कल के डेट में दोस्तों ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको देखने को मिल रहा था, सारा कुछ लिंक जो था, जितना भी ओल्ड नोटिस था दोस्तों, वो सारा नोटिस इसी तरह से आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, इस साइट को अपडेट किया गया है और कहीं ना कहीं अपडेट करने के पीछे मुख्य रीज़न जो है वो आपका रिजल्ट ही है। अब देखिए दोस्तों, आपको पहले ही नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि रिजल्ट जो है वो 24 तारीख अथवा 24 से पहले पहले दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है साथियों कि 24 तारीख को यहाँ पे सैटरडे पड़ता है, ठीक है। सैटरडे और संडे तो आपको पता ही भाई, छुट्टी रहता है, तो सैटरडे को रिजल्ट आने के कोई चांसेस है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए, रिजल्ट या तो आपका आ जा सकता है, आज आपका 21 तारीख हो गया और कल आपका 22 तारीख हो गया, ठीक है। तो ऐसी संभावनाएँ दोस्तों कि आज आपका रिजल्ट दे देने का चांसेस मैक्सिमम है। बाकी यदि आज नहीं आ पाता है तो ऐसी स्थिति में कल तो आपका डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि सैटरडे को तो रिजल्ट आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए निश्चिंत हो जाओ आप कि या तो आज, यदि आज नहीं आ पाता है तो भाई कल के डेट में तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। बाकी अगर बात करें कि स्कोर कार्ड आएगा या फिर आपका जो है वो रोल नंबर का PDF आएगा, देखिए दोस्तों, जनरली पिछला बार 2018 के अंदर क्या हुआ था, 2018 के अंदर आपका PDF और साथ साथ में रोल नंबर का PDF और साथ में जो शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस है, ठीक है, जो परसेंटाइल स्कोर हो गया, नॉर्मलाइज स्कोर हो गया, ये सारा कुछ पिछला बार एक साथ ही दिया था। परसेंटाइल का तो खेल नहीं था पिछला बार भाई नॉर्मलाइज स्कोर और रॉ स्कोर, ये दोनों साथ में दिया था, और प्रोरेटेड स्कोर, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, किसी यहाँ पे किन्हीं के एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलती हो जाता है तो फिर प्रोरेटेड स्कोर बैठा जाता है 100 के ऊपर, ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर दिया जाता है। लेकिन इस बार आपका रॉ स्कोर रहेगा, प्रोरेटेड स्कोर रहेगा, परसेंटाइल स्कोर रहेगा, नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा। तो भाई यहाँ पर आपका जो है वो स्कोर कार्ड साथ साथ देखने को मिल जाएगा 24 से पहले पहले, और वही लिंक के माध्यम से लिंक को केवल अपडेट कर दिया जाएगा और साथ में रोल नंबर का PDF भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों साथ में ही मिलने वाले हैं, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ। और ये भी डिले नहीं होगा दोस्तों, ये आपका जो है वो 24-23 तक ही देखने को मिल जाएगा। स्कोर कार्ड का लिंक तो आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा कल तक। बाकी अगर रोल नंबर का PDF का बात करें तो देखिए, ये आपका RRC वाइज जारी होगा, और हो सकता है कि कोई RRC पहले आपको दे दे अथवा कोई RRC बाद में दे दे, ठीक है। लेकिन आप शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस को आप ईजिली कल तक या फिर आज शाम तक देख पाओगे। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अपडेट था। बाकी आप अपने क्या सोचते हैं इसके विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।